वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को हनुमान चालीसा का सही ढंग से पाठ करना आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आकाश के भी आप सभी भक्त जनों को हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करके बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने में अधिक रुचि आएगी, क्योंकि आपको जब किसी चीज का सही ढंग से उच्चारण करना आता है तो उसमें आपका रुचि और बढ़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हनुमान चालीसा के एक एक शब्दों का मैं सही ढंग से उच्चारण करके बताऊंगा। उसके बाद आपको एक बार पढ़नी आ जाएगी जब हनुमान चालीसा, तो निरंतर कुछ हफ्तों के प्रयास के बाद आप लोगों को हनुमान चालीसा ऐसे याद हो जाएगी कि आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जबान पर रहेगी। उसके बाद आप इसका रोज पाठ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ही इस चैनल आकाश केवी पर अगर नए आए हैं, इस वीडियो को पहली बार खोल रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और नई वीडियोस बनाने का। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख के लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए हम इसे चालीसा कहते हैं। और हनुमान चालीसा की शुरुआत में दो दोहे होते हैं और हनुमान चालीसा की 40 चौपाई खत्म होने के बाद अंत में दो दोहे होते हैं। तो शुरुआत दोहों से होती है, तो मैं दोहों से शुरुआत करके आपको बताता हूँ। पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार। अब इसके बाद दोहा खत्म हो जाता है और चौपाइयां शुरू होती हैं। तो पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, तनका दिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता,
राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरय मिटे सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। इसी के साथ 40 चौपाइयाँ खत्म हो जाती हैं। के बाद अंतिम दोहा आता है, जो कुछ इस प्रकार है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, विदय बसहु सुर भूप। इसी के साथ पूरी हनुमान चालीसा खत्म होती है। आपको मैंने पूरी हनुमान चालीसा के एक एक शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करके दिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हनुमान चालीसा को पाठ करना आ गया होगा। आपको ये वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी हनुमान चालीसा बोलनी आ जाए। क्योंकि हनुमान चालीसा सुनने को तो हर किसी का मन करता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि इसके कठिन शब्द उच्चारण भी एक कारण हो सकता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूर शेयर करें। और आप ये पूरी हनुमान चालीसा खत्म करने के बाद इसको अंत में एक नारा ये जरूर लगा सकते हैं कि सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ आपका हनुमान चालीसा अच्छे सही ढंग से खत्म हो जाएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ हफ्तों तक इसके निरंतर प्रयास के बाद आपको हनुमान चालीसा पूरी याद हो जाएगी और आप इसे रोजाना पाठ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कोई भी ऐसी स्थापित धुन नहीं है जिसे आपको फॉलो करना है। आप हनुमान चालीसा को अपनी ही धुन में गा सकते हैं। बस वो धुन आपको गाने में अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि जो धुन आपको गाने में अच्छी लगेगी वो 100% जरूर ही अच्छी होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आपसे एक अनुरोध जरूर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको हौसला मिले नई वीडियो बनाने का। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जय जय हनुमान जरूर लिखें। और आप कमेंट बॉक्स में हमको ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊं, आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। दिस इज आकाश की भी साइनिंग ऑफ। जय श्री राम जय जय श्री राम।